वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल इन सहार फूड स्टेप्स कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपसे बहुत मज़े का डिनर मेन्यू शेयर कर रही हूँ जो कि बनता भी बहुत मज़े का है और बन भी ना जल्दी जाता है और टेस्टफुल बहुत होता है Uh, वैसे भी आपको पता है मेरिनेशन जिस चीज़ में हो जाए ना उसमें मज़ा ही कुछ और होता है तो आज मैं बना रही हूँ देगी कोरमा देसी चिकन का और साथ में जो है ना तिक्का बिरयानी बनेगी तो सबसे पहले ना मैं देसी चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ दही में जिसके लिए मैंने टू फिफ्टी एम एल दही ले लिया है उसमें वन बड़ा चम्मच जो है लहसुन का चॉप किया हुआ अदरक का और हरी मिर्चों का डाला है अभी और साथ में नमक लाल मिर्ची सूखा धनिया टू टी स्पून साथ में ज़ीरा पाउडर वन टी स्पून ये डाल के तो मैं इसमें देसी चिकन डालूँगी देसी चिकन जो है ना बहुत इस मरतबा मतलब सही वाला जो देसी होता है ना वो है ये और ये तकरीबन वन के जी से ज़्यादा ही है तो ये डाल के तो इसको मैरिनेट करके आधे पौने घंटे के लिए रख देना है देगी कोरमा इसी तरह बनता है और ना दही का अंदाज़ा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि तकरीबन जो है ना आपने जितना चिकन लिया ना वो तकरीबन दही में डिप होता है ऑलमोस्ट डिप होता है तो इतना हमने दही लेना है ये दही में ही बनता है और फिर जो बाकी इसकी ग्रेवी बनती है ना वो प्याज से बनती है तो वैसे मैंने इसको इसको और चिकन टिक्का जो था ना उसको मैरिनेट करके रख दिया था लेकिन मैंने वीडियो में मतलब एकदम वो खलबली ना मच जाए इस वजह से मैंने एडिटिंग में पहले देगी कौरमा दिखाया प्रॉपर रेसिपी आपको और फिर जो है ना चिकन टिक्का का मैंने आपको प्रोसेस दिखाया तो इसमें देख लें आधे पौने घंटे के लिए मैंने रेस्ट दे दिया था चिकन को और अब मैंने दो ले लिया एक पोट ले लिया जिसमें चिकन कुक होगा ठीक है उसमें ऑयल डाल के तो ऑयल तकरीबन वन फोर्थ कप लिया है मैंने और इसको चिकन को जो मैरिनेट करके रखा है वो इसमें डाल देना और दूसरी तरफ जो है प्याज़ को मैं ब्राउन कर रही हूँ दो प्याज़ लिए हैं मैंने और उसको या एक बड़ा प्याज ले लें ले या टू मीडियम प्याज ले लें ले तो उसको मैंने काट के सिंपल लंबाई में पतला पतला सा और वो मैंने रख दिया है ताकि ये ब्राउन हो जाए इसको हमने ब्राउन करना है और ब्राउन का अंदाज़ा ये आप लगा सकते हैं कि जितना आप ब्राउन करेंगे ना उतना ही आपके कौरमे का कलर आएगा अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो ज़रा डार्क कलर आएगा जैसे देखें मैंने थोड़े ज़्यादा ब्राउन कर लिए हालांकि मुझे ज़्यादा ब्राउन पसंद नहीं है तो बस वो हो गए तो मैंने का चलो काम चलाते हैं लेकिन नॉर्मल मैं ब्राउन करती हूँ जिससे ना कलर इसका बड़ा नॉर्मल आता है तो वैसे देगी कौरमा जो होता है ना उसमें ये ब्राउन करके ही प्याज जो है उनको ऐसे पाउडर फॉर्म में करके तो यूज़ किए जाते हैं ये जैसे ही हम प्याज का ये पाउडर डालते हैं ना तो इसकी ग्रेवी बनना शुरू हो जाती है और बड़ा ही मज़े का बनता है यकीन करें देखी कौरमा आप कभी आपने देखा होगा शादी वगैरह पे कौरमा इतना ज़्यादा बना होता है मतलब जाहिर है देगे बनती हैं लेकिन वो मज़े का होता है वो इसी वजह से मज़े का होता है क्योंकि उसमें मैरिनेशन हुई होती है और फिर इतना सारा चिकन उसको संभालने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले भूनेंगे या फ्राई करेंगे तो फिर देगी कौरमा इस तरीके से बनाया जाता है बस मैरिनेट करके तो उसी में ही रख दिया जाता है और उसको पकने दिया जाता है और फिर प्याज को ब्राउन करके उसका पाउडर बना के वो डाल दिया जाता है इसमें अब ये देख लें चिकन कुक हो गया है तकरीबन और जो है ना मैंने चेक किया है और जो है दही के पानी में ही ये पका है मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला इसमें तो आप खुद देखें टेस्ट क्या होगा इसका बहुत अच्छा टेस्ट फिर इसका बनता है बस आपने देसी चिकन है ना तो इसके जब तक ये कुक हो जाए तब तक हमने इसको बस पकाना है अच्छा हमारे घर में भी मिलाद वगैरह होना या कोई भी ऐसे बड़ा कोई चीज़ आ, करनी हो या फिर बांटना हो तो फिर ना मैं देगी कौरमा ही प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि ये एक तो इजी है और जो है ना बहुत सारा चिकन या बहुत सारा क्वांटिटी में आपने कुछ बनाना है, तो तो फिर ये हैंडल करना इजी है तो ये देख लें ये मैंने जैसे ही वो प्याज का पाउडर डाला है ना ये ग्रेवी फॉर्म में आ गया तो ये मैं आपको पास करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपके मुँह में पानी आ जाए <laughs> लेकिन सीरियसली ये ना बहुत मज़े का बना था कलर आप अपने मुताबिक रख सकते हैं अगर आपने डार्क नहीं रखना तो आप इसको कम ब्राउन कर लीजिएगा प्याज को तो वो फिर आपके मुताबिक कलर हो जाएगा ये देखें जी और मिट्टी की हांडी में बन जाए तो क्या ही बात है मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है मिट्टी की हांडी में सही चीज़ को होती जितना उसको कुक होना चाहिए और इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है बस ये ग्रेजुअली मुझे लगता है हम लोग ना पास्ट में जाते जा रहे हैं जितना हम तरक्की कर रहे हैं ना उतना ही हम पास्ट में दोबारा जाते जा रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता जा रहा है कि जो पास्ट की चीज़ें थी ना वो, वो ज़्यादा मज़े की थी वो ज़्यादा लोग वो इंजॉय करते थे हम जितने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं उतना ही हम जो है ना फन से और रियल्टीज से दूर हो गए हैं तो हम दोबारा उन्हीं चीज़ों में जाते जा रहे हैं तो खैर बातों तो बातों तो में ये देखें टिक्का मसाला बना रही हूँ मैं क्योंकि टिक्का चिकन बनाना है फिर टिक्का बिरयानी बनानी है हमने तो इसके लिए मैंने लहसन पाउडर लिया है टू टीस्पून सूखा धनिया लिया है टू टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है वन टीस्पून स्पून वन फोर टी इसमें जो है रेड फूड कलर लिया है चाट मसाला लिया है वन टेबल स्पून नमक है लाल मिर्चें हैं और धरा मिर्चें ली हैं मैंने टू टीस्पून इन सब की क्वांटिटी वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी तो आपकी जो है ना परफेक्ट टिक्का मसाला बन सकता है ये बना के रख लें फिर मैरिनेशन करना भी इजी है और फिर ना इजीली ये बन जाता है आपको पता है चिकन भी बनाना होता है तो वो ना फ़ौरन से निकाला और लेमन जूस वग़ैरह डाला तो ये बन जाता है तो बस अब इस टिक्का मसाला से मैं बना रही हूँ मैरिनेशन चिकन की ये चिक, चिकन है तकरीबन तो वन के और ये लेमन जूस है टू लेमन ले लिए हैं उनका पल्पी जूस निकाल लिया है तो बस इसमें मैं डालूंगी टू टेबल स्पून टिक्का मसाला और साथ में इसमें चिली सॉस जाएगी और बस फिर आपकी जो टिक्का मैरिनेशन है ना वो रेडी हो जाएगी सबसे पहले मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ आप लोग किस तरह से करते हैं इसको स्टीम वगैरह वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कमाल और इतना इजीली बन जाता है ना जिनके पास ओवन नहीं है वो तो भूल ही जाए ना कि उनको ओवन की ज़रूरत भी है मतलब इजीली बन जाता है कराही में और कोई स्टीम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ तो ये देखें जी मेरीनेशन फटाफट से रेडी हो गई है और बाकी का जो तिक्का मसाला है वो मैं एक जार में डाल के तो सेव कर लूँगी तो फिर जब ज़रूरत होगी वो यूज़ हो जाएगा वैसे आगे बिरयानी में भी ये यूज़ होना तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ना मसाला डाल सकते हैं कि बच्चों ने भी खाना है वैसे ये टू टेबल स्पून से ना अच्छी मैरिनेशन हो जाती है इतना कोई ज़्यादा तीखा नहीं होता तो बस ये मज़े की हो जाती है मैरिनेशन इसको मैं रख दूँगी दो घंटे एटलीस्ट दूँगी क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है ना उतना टेस्ट अंदर तक जाता है और मज़ा आता तो बस ये देख लें चिकन को हो गए हैं दो तीन घंटे मैंने दिए थे तो अब मैं ना ये इस तरह की ट्रे ले रही हूँ आपके पास कोई भी मोल्ड है केक मोल्ड या कोई भी बर्तन है आप वो यूज़ कर सकते हैं पतीली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया सिंपल रख दिया है मतलब कोई ऑयल से ग्रीस नहीं किया और साथ में मैं ये जो टिक्का बोटी है वो रख रही हूँ और इसको बस सिंपली क्या करना है कड़ाही लेनी है जिसमें हम केक वगैरह बेक करते हैं आपने अक्सर देखा होगा तो उसमें आपने ये रख देना है सिंपल रख देना है इसे और मीडियम स्पीड पे रख देना है स्टोव की और ये ना ख़ुद ही कुक हो जाएगा पहले पानी छोड़ता है चिकन और फिर ये इसमें कुक हो जाता है बटर पेपर लगाना का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बर्तन है ना जिसमें आपने ये रखा है वो ख़राब नहीं होता और इजीली ये ना इसमें कुक हो जाता है साथ में मैं बना रही हूँ टिक्का बिरयानी इसके लिए मैंने प्याज ले लिया है एक बड़ा प्याज लिया है उसको डाल दिया है पतीली में और साथ में ना मैंने राइस भी भिगो के रख दिए हैं दो ग्लास तकरीबन राइस हैं वो भी के रख दिए हैं प्याज जी देखिए नॉर्मल ब्राउन हो गए हैं अब इसमें डालते हैं अदरक चॉप किया हुआ वन टेबल स्पून और लहसुन चॉप किया हुआ वन टेबल स्पून और साथ में जो है हरी मिर्चें वन टेबल स्पून इसमें जाएंगी थोड़ा सा प्याज़ मैं निकाल लूँगी क्योंकि जो है ना ये फिर ऊपर गार्निश में डालेंगे ना तो मज़े का लगता अब ना मसाला बन रहा है तो अब ना मैं दही ले लिया है ये तकरीबन हंड्रेड एम है और इसमें भी तिक्का मसाला डाल रही हूँ टू टेबल स्पून क्योंकि दो गास राइस हैं ये ना थोड़े स्पाइसी बनते हैं टू टेबल स्पून डालने से आप अपने टेस्ट के मुताबिक घर में बच्चे भी होते हैं तो उस तरह डाल सकते हैं साथ में वन टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला डाला है ताकि ना बिरयानी की ना सही जो है इसमें खुशबू आ जाए तो बस ये डाल के ये डाल देना है अंदर और फिर जो है इसको मिक्स कर लेना है और तो इस तरह बिरयानी का मसाला रेडी कर लेना है नमक डाला है मैंने इसमें टू टीस्पून क्योंकि टिक्का मसाला में नमक होता है और साथ में बिरयानी मसाले में भी थोड़ा होता है तो आप उस मुताबिक सेट करके ना अपने राइस के मुताबिक ना डाल सकते हैं नमक तो बस ये मसाला तकरीबन रेडी है ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने बुखारा डाला है मैंने इसमें बिरयानी में आलू बुखारा ना हो तो बिरयानी कैसे कंप्लीट हो सकती है एक लेमन स्क्वीज किया है क्योंकि मैं लेमन के स्लाइस नहीं डालती इस तरह लेमन जूस डाल देती हूँ तो टेस्ट आ जाता है इसमें और साथ में पानी डाल देते हैं पानी मैंने तीन गिलास डाला है क्योंकि दो गास राइस हैं और फिर पानी में बॉयल भी आ गया है अब डाल देने हैं राइस और पानी जो है ना जब थोड़ा सा रह जाता है फिर मैं चेक करती हूँ राइस को अगर उसमें कसर होती है तो फिर इसको फ़ौर से दम दे देती हूँ अगर नहीं होती तो फिर बस पानी पूरा ड्राई करके फिर दम देती हूँ इस तरह से जो है राइस बहुत अच्छे बनते हैं और जो है ना बिल्कुल अलग अलग से बनते हैं और बहुत अच्छे ना राइस बनते हैं साथ में ये टिक्का भी आप देख लें जो है चिकन ने पानी छोड़ दिया है और अब जब ये पानी छोड़ देता है ना फिर ये पानी ड्राई होता है और फिर इस तरह से ये कुक हो जाता है और इसका ना कोई एक्स्ट्रा आपको ओवन में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती ये कलर भी इसमें अच्छा आ जाता है और कमाल किस्म के आपकी टिक्का बोटी रेडी हो जाएगी चावल में कसर थी तो मैंने थोड़ा सा पानी है और इसमें मैंने वो रख दिया है साथ में मैंने तीसरा वाला चूल्हा भी ऑन कर दिया ताकि जो है ना कोयला रख सकूं और कोयला जो है उसकी स्मोक देनी है इसमें इस तरह स्मोकी टिक्का राइस जो है हमारे रेडी हो जाएंगे टिक्का बिरयानी सॉरी तो बस कमाल किस्म के तो सिंपल बिरयानी तो आप खाते हैं लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत एलिगेंट होता है और बहुत मज़े के लगते हैं ये तो आप लोग ट्राई करें तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा ये देखें तिक्का बॉटी बिल्कुल रेडी है पानी ड्राई हो चुका है आप ये बटर पेपर उतारेंगे ना तो वो जाया कर देंगे और फिर जो है ना ये नीचे से बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ होगा इसमें भी मैंने कोयले की स्मोक दे दी है ताकि टेस्ट दोनों में आ जाए और बस चावल को भी दम आ गया है चावल को मैं हिला झुला के फिर इसमें बोटियाँ डाल दूँगी तो बस टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग तो ट्राई करें तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आपको मेरी हर वीडियो जैसे ही मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ मिल जाए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह टेक केयर स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी